अदित को आई मंगल की याद, अदित ने तोड़ दी शादी। कलर्स टीवी शो मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि मनन और सौम्या का रिश्ता फिक्स हो गया है, लेकिन मंगल और उसके परिवार को ये नहीं पता है कि जिससे उसकी बात होती है वो सौम्या है। वही अदित और सौम्या शादी की पूरी तैयारी में है। वो लोग मंदिर में अग्नि के सामने होते हैं। उसके बाद दिखाया जाएगा कि अदित सौम्या की मांग में सिंदूर भरेगा, वहां पर सौम्या की माँ आएगी और सौम्या की माँ सौम्या को श्राप देगी। ये सारी चीजें सौम्या इमेजिन करती है और इसी इमेजिनेशन में अदित सिंदूर भरता है। बट रियलिटी में जब अदित सिंदूर भरने वाला होता है उस दौरान मंदिर की घंटी नीचे गिर जाती है। पंडित जी कहते हैं कि ये भगवान का संकेत है कि आपको शादी नहीं करना चाहिए, तो आप शादी के लिए एक बार फिर से सोच लीजिए। अब यहाँ पर जब पंडित जी ये कहते हैं तो अदित को मंगल की याद आती है। अदित जितनी भी चीजें सोचता है वो सिर्फ मंगल के बारे में सोचता है, उसकी अच्छाइयों को सोचता है। यानी कि अदित और सौम्या की शादी नहीं हुई। वही मंगल इंतजार कर रही है कि वो आंटी फोटो क्यों नहीं भेज रही है। सौम्या की माँ सौम्या का फोटो भेजने वाली थी, लेकिन वो गलत मुहूर्त की वजह से भेजती नहीं है। वो डायरेक्टली कैफे में मिलने बुला देती है। वही सौम्या अपनी शादी के लिए तैयार है क्योंकि वो अदित को जेलस फील करवाना चाहती है। अब सौम्या अदित को कैफे बुलाती है और उसी कैफे में लड़के वाली यानी कि मंगल जाने वाली है मनन के साथ। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जब अदित को ये पता चलेगा कि मनन के लिए वो किसी और को नहीं बल्कि सौम्या को देखने आया है तो क्या होगा अदित का रिएक्शन। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।